कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा सोलर सिस्टम, रूफटॉप सोलर सिस्टम अचानक से लॉसेस करने लगता है और हमारे को रीजन ही समझ में नहीं आता कि आखिर भाई ऐसा हो क्यों रहा है। हम विजिबली चेक करते हैं कि भैया कहीं पे शैडो तो नहीं आ रही है, किसी बिल्डिंग की शैडो तो नहीं है, कहीं धूप तो कम नहीं है, मगर कोई डिफरेंस ही नहीं होता। वैसे ही सोलर पैनल लगे हुए हैं, किसी भी चीज की शैडो नहीं है और धूप भी एकदम प्रॉपर आ रही है। उसके बाद में यूजुअली लोग चेक करते हैं कि यार वायरिंग में तो कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग भी एकदम ठीक निकलती है, कहीं इन्वर्टर में तो कोई फॉल्ट नहीं है, और जगह जगह सारी चीजें चेक हो जाती हैं, मगर स्टिल फॉल्ट का पता ही नहीं लगता कि आखिर ये सोलर सिस्टम जो कि अच्छी खासी बिजली बना रहा था अचानक से इतना डिग्रेड कैसे हो गया। और यही नहीं, फिर दिमाग में आता है कि यार हो सकता है कि सोलर पैनल गंदे हो रहे होंगे, इस वजह से आउटपुट डिग्रेड हो गया है। मगर ये भी नहीं होता, सोलर पैनल एकदम चमचमाते हुए एकदम साफ है तब भी आउटपुट डिग्रेड हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस अननोन मिस्टीरियस फॉल्ट के बारे में, और आप लोग आखिर कैसे पता लगा सकते हो कि अगर आपके सोलर रूफटॉप सिस्टम में इस तरीके का कोई फॉल्ट आ जाए। तो आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है अभी के अभी कर लो, ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और अगर हो गई है तो इससे कैसे बचा जाए, हमारे को सबसे पहले समझना होगा एक सोलर पैनल की बेसिक फंक्शनिंग। एक सोलर पैनल जो बना हुआ होता है वो सोलर सेल्स से बना हुआ होता है और वो सोलर सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ये चीज बेसिक ज्ञान है, हम सबको पता है। मगर ये जो सोलर सेल से करंट इकट्ठा होता है, ये कैसे इकट्ठा होता है? ये इकट्ठा होता है बस बार्स की मदद से। आप एक सोलर पैनल को कभी देखोगे तो उसमें जो सोलर सेल होगा आप देखोगे उसके ऊपर से ना सिल्वर लाइनिंग जारी होंगी अलग अलग। तो ये यूजुअली हर एक सोलर सेल पे 5 के करीब बस बार्स होती हैं, तो वो बस बार्स इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करती हैं हर एक सोलर सेल से। अब सोलर सेल बस बार तक कैसे लाता है इलेक्ट्रिसिटी? तो सोलर पैनल के ऊपर फिंगर्स बनी हुई होती हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है उस बस बार तक। तो इस तरीके से एक सर्किट बना हुआ होता है। मगर होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सोलर पैनल के पीछे शीट लगी हुई होती है, जिसको हम ईवा शीट कहते हैं, ईवीए शीट कहते हैं, जो पीछे लगी हुई होती है उसको कहीं से या तो वो कट जाती है या फिर कहीं से हीट स्पॉट की वजह से मेल्ट हो जाती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से आपके सोलर सेल तक और सोलर पैनल के अंदर मॉइस्चर की एंट्री हो जाती है। मॉइस्चर अपने आप में आपकी एनर्जी को कम करने वाला एक मेजर फैक्टर बन जाता है। अब मॉइस्चर जो एंटर हो गया, अब वो क्या करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेट था कि भाई सोलर सेल बनाएगा, फिंगर्स के थ्रू बस बार में आएंगे, बस बार आगे चल के एक मेजर बस बार में मिल जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि बस बार में जाना था वो बस बार में ना जाके वो बेसिकली आपके सोलर पैनल की आउटर बॉडी में फ्लो करने लगता है। और जब वो आउटर बॉडी में फ्लो करता है तो वो आपके करंट, वो जो होता है करंट जो सोलर पैनल बना रहा है, वो आपके स्ट्रक्चर में चला जाता है, और स्ट्रक्चर में आपने लगा रखी होती है अर्थिंग, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ के आपके मीटर तक जाए या फिर आपके इन्वर्टर तक जाए, वो सीधी स्ट्रक्चर से अर्थिंग में होती हुई नीचे चली जाती है। अब हमें इस चीज से बचना है, आखिर इससे बचाव का क्या तरीका है? तो इससे बचाव का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको सबसे पहली चीज तो पता लगाना है कि क्या आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम डिग्रेड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपने इस चीज का पता लगाया और डिग्रेडेशन का रीजन आपको नहीं मिल रहा तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने सोलर पैनल्स को सबसे पहले तो हीट स्पॉट के लिए ढूंढना है कि आपके सोलर पैनल पे कहीं कोई हीट स्पॉट तो नहीं आ रहा। कई बारी नेकेड आई से भी विजिबल हो जाता है हीट स्पॉट, जला हुआ होगा सोलर पैनल ऊपर से, और कई बारी हमारे को थर्मल स्कैनिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए थर्मल स्कैनर्स आते हैं, आप किसी भी एक अच्छे इंस्टॉलर से अपने सिस्टम को चेक करा सकते हैं, उन पे थर्मल स्कैनर्स होते हैं, तो उससे वो आपको चेक करके बता देंगे कि इस वजह से, फॉर एग्जांपल थर्मल स्कैनर से चेक करने के बाद पता लगता है एक पैनल में ना यहाँ पे हीट स्पॉट है, तो वो उससे पता लगा लेते हैं कि यार अर्थिंग को बंद करके कि यार यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल करंट का सीपेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो इस तरीके का इलेक्ट्रिकल लॉस होता है इसको बोला जाता है PID, पोटेंशियली इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, और ये बहुत कॉमन है पैनल्स में, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर सिनेरियो में दिखेगा, ये कॉमन सिनेरियो है, प्रॉब्लम आपके पैनल्स में भी आ सकती है। तो जब आपको पता लग जाए कि कौन सा
पैनल फॉल्टी है तो आपको उस पैनल को रिप्लेस करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ जिसमें कि क्रैक्ड पैनल, एक पैनल जिसका ग्लास टूट चुका है, उस वाले पैनल के ऊपर इपॉक्सी लगा देते हैं या फिर कुछ और लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज समझनी है, वो वाला पैनल नो डाउट काम तो करेगा बट आप उसको अपनी स्ट्रिंग में ना कनेक्ट करो, उससे आप इंडिविजुअली कुछ चलाना चाहो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप उसे जब स्ट्रिंग में कनेक्ट कर दोगे तो वो आपके जो हेल्दी पैनल्स हैं उनको भी खराब करेगा, और उसी के साथ साथ मॉइस्चर तो चला ही गया है तो वो भी अपनी आउटर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का सीपेज होगा, और उसी के साथ साथ जिससे कि शॉर्ट सर्किट के भी चांस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमारे को। और वैसे भी अगर आपका पैनल क्रैक हो गया है तो नीचे शैडो एरिया भी बनेगा जहाँ जहाँ पे क्रैक है, तो कभी भी क्रैक्ड पैनल को आप हेल्दी पैनल्स के साथ में पेयर करके मत लगाओ। और इससे बचने का एक और अच्छा तरीका है कि आजकल जो लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं उसमें आप देखोगे टॉप और बॉटम दोनों ही साइड से ग्लास होता है, और मैन्युफैक्चरर एक चीज का खास करके ध्यान रखता है कि सोलर सेल को ग्लास से, यानी कि जो आउटर बॉडी है उसकी एल्यूमिनियम की, सोलर सेल को उससे थोड़ा सा अंदर लगाता है। अब इसमें क्या होता है, ग्लास जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती और उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, तो ऐसे सिनेरियो में ना PID का जो चांसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इस तरीके के पैनल्स लो, और खास करके देख लो कि उसमें जो सोलर सेल की प्लेसमेंट है और जो बॉर्डर है एल्यूमिनियम वाला उसके बीच में गैप थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे कि ये PID की दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके साथ में वैसे तो हमारे को एक इंडिविजुअल एक अलग टॉपिक बनाना है इस चीज़ पे जिसमें हम लाइव एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, बट मैं स्टिल बता देता हूँ कि बहुत बारी लोगों को लगता है कि यार ये एक सोलर पैनल है और इस सोलर पैनल पे फॉर एग्जांपल पूरे पैनल पे 30% शेडिंग है, मतलब पूरा पैनल आपका ओके है बट 30% एरिया में शेडिंग है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होगा वो एटलीस्ट 30% कम बना रहा होगा, या फिर इसका बेंचमार्क 40% 45% भी हो सकता है। तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पैनल कंसिडरिंग 100 यूनिट बना रहा होगा तो 40% कम में ये 60 यूनिट तो बना ही रहा होगा अगर इसका 40% एरिया शेडेड है तो। मगर ये भी एक मिथ है दोस्तों बहुत बड़ा, जब सोलर पैनल का एक मेजर पार्ट शेडेड हो जाता है तो जो सोलर पैनल में डायोड लगे हुए होते हैं उसकी वजह से पूरा का पूरा सोलर पैनल जीरो आउटपुट पे आ जाता है। तो ये वाली चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो शेडो फ्री एरिया है वहीं पे आपको अपने सोलर पैनल्स लगाने हैं, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे और आपको अपने सोलर रूफटॉप सिस्टम में कहीं फॉल्ट मिलेगा ही नहीं। हम इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे भी कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। ये तो जस्ट एक हमारे वीडियो का पार्ट नहीं था बट स्टिल मैंने सोचा कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस तरीके का भी फॉल्ट बहुत सारे लोगों की साइट पे हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे हल्की सी शैडो आ रही होती है सोलर पैनल पे, एंड लोगों का माइंडसेट यही होता है कि यार इतनी सी शैडो है तो इससे इतने परसेंट ही तो कम होगा, बट असलियत में ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे एक मेजर लॉस भी देखने को मिलता है। मगर यही नहीं दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी एक नए तरीके के सोलर पैनल पे जिसमें कि सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करके एक स्पेशल तरीके के छोटे से सोलर सेल पे डाला जाता है और उसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, और वो वाले सोलर सेल के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है और वो कैसे काम करता है आप देख सकते हो। हमारी ये वाली वीडियो इस साइड में आ रही होगी, अभी के अभी क्लिक करके देखो।